हाँ जी जी जुर्बखश बताएंगे कि ये गूगल मैप्स की वीडियो हमारी 1.5 साल 2 साल में 58 व्यूज़ क्यों आए इसके। जी जरूर इसका एक तो मेन रीज़न है, हमने लिख दिया इसका टाइटल सिर्फ गूगल मैप्स। सही है। गूगल मैप्स से तो कोई वो नहीं, हमें पता चलता कि क्या स्पेसिफिक हमारा क्या चीज़, हम किस चीज़ को फोकस करें। गूगल मैप्स पे एक वीडियो नहीं होगी, हज़ारों की तादाद में वीडियोज होंगी। और गूगल मैप्स हम अगर गूगल पे लिखेंगे तो वो डायरेक्ट maps.google.com देगा। हमारी वीडियो की रिजल्ट जो है तकरीबन नहीं तो हमें 10 पेजेस चेंज करने के बाद शायद ही ये रिजल्ट आए, तो क्या नहीं लिखना आएगा। चाहिए, तो इस वीडियो के अंदर आप क्या डिफाइन कर रहे हैं, जो चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं उस हम कह रहे वो हैं व्हाट सिर्फ इज गूगल मैप्स, व्हाट इज़ गूगल मैप्स। आप उर्दू में बता रहे हैं तो स्पेशलिटी हमारी वीडियो की क्या है। उर्दू, गूगल मैप्स तो बहुत सारी बनी हुई है, हज़ारों की तादाद बनी, हमारी वीडियो की क्या स्पेशलिटी है। उर्दू एंड हिंदी, उर्दू एंड हिंदी, तो हम उसको वो दें। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। और उसके बाद आप रिलेटिव देखें, जैसे आप साइट पे देख रहे हैं कि रिलेटिव कोई भी गूगल मैप से कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, सारी चीज़ें डिफरेंट आ रही हैं। उसकी वजह ये है, ये आपकी टैगिंग। अब टैग आपने दे दिया इंटरनेशनल व्यू वर्ल्ड सी, अब सी क्या क्या होना है चाहिए उसकी जगह, इसकी जगह पे आपके गूगल मैप से इंटरनेशनल व्यू वर्ल्ड सी एनीवेयर, ये सारे एक साथ आप लिख के कॉमा दे दें, स्पेस सेपरेटेड आपने लिख तो दिया। इंटरनेशनल का क्या काम है इसमें, रियान अल्लाह वाला का भी काम नहीं है, अब गूगल मैप 33 का भी काम नहीं है। ये आपको प्रमोट करने के लिए दिया है किसको। अच्छा तो रिहान 33 तो मैं जो प्रमोट नहीं हो रहा ना, ये पता नहीं क्यों आपको रिहान 33 ऐसे आपको यूज़र नेम उन्होंने जो यूज़ होता है उसको रख के दिया है। अब ये गूगल मैप इसने दिया है, जितने भी तो दिया है आपके ख्याल में क्या होना चाहिए बताएं, इसमें गूगल मैप्स में क्या लिखना चाहिए। गूगल मैप्स एक इसने रखा, पहला टैग रखा वो सही रखा है। सही है। उसके बाद कॉमा गूगल मैप से नोट, सही है। देन गूगल मैप, गूगल मैप इन हिंदी, गूगल इन उर्दू, थोड़ा इंटरेस्टिंग इस तरह के कीवर्ड्स हो। लेकिन वो आप वीडियो आप चेक बताएं ना, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए आप अगर करेंगे तो क्या होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, गूगल मैप, गूगल मैप्स एस भी लगाते हैं लोग, काफ़ी सारे एस भी लिखते हैं गूगल मैप्स, गूगल मैप्स इन उर्दू, गूगल मैप्स इन हिंदी, गूगल मैप्स क्या कहते हैं, व्यू योर होम इन गूगल मैप, इस तरह की जो है हम सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ताकि और कीवर्ड्स जो हम देंगे, जैसे कि गूगल मैप, वो उस दोनों में स्पेस आ रहा है तो आपने उसको कॉमा सेपरेट करना है। ऐसे नहीं कि आपने गूगल स्पेस मैप स्पेस देन गूगल मैप इन उर्दू, अब जिस तरह से ये लिखा हुआ इंटरनेशनल, उसने लिखा तो एक ही वर्ड था लेकिन वो उसने स्पेस जो आपके आ रहे थे उस पर उसने पूरे को अलग कर दिया। अगर आप इसको अब रिहान अल्लाह वाला इसको यहाँ पर कॉमा सेपरेट करके दिखा देते हैं, इसको कर देते हैं, क्या कर दी उसे होगा सही। तब इसकी जगह हमें टाइटल में क्या लिखना चाहिए, जो टाइटल में हम जो लिखेंगे व्हाट इज गूगल मैप्स, उर्दू, एंड मैं माइनस से ना गायब हो जाएगा, स्लैश नहीं करें, स्पेस दे गए हिंदी। हाँ ठीक है, बाहर हाँ अलग अलग डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, ये सही है, बाहर बाहर लिखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ज़्यादा लिखें डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहता है, और तो वहाँ से लिंक भी दे दें rehan.com का, तो वो लेन नहीं देता ना, लिंक आ जाता है HTTP, वो पूरा वो फॉर्मेटेड लिंक देंगे तो वो आएगा, लिंक बन जाएगा, कर लो। अब यहाँ पर वही टाइटल, उसके बाद में इसको थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब कर देंगे, आप बताएं कैसे करेंगे, कॉपी करोगे लिंक, ये डिस्क्रिप्शन में लिखो ये सेम ऊपर वाला कॉन्टेंट, आप इस पेज देखो बाय रेहान अल्लाह वाला, हाउ व्हाट इज गूगल मैप, क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं, फुल स्टॉप। दिस वीडियो एक्सप्लेन हाउ, दिस वीडियो एक्सप्लेन व्हाट इज गूगल मैप्स एंड हाउ टू यूज इट, what is all about, what is it all about, full stop enter,
अब यहाँ लिखते हैं कि गूगल मैप्स अलाउज यू टू सर्च, डिस्क्रिप्शन यहीं पे लिखते हैं, होता क्या है वो भी यहाँ लिखते हैं। जितना ज़्यादा टेक्स्ट लिखेंगे उतना ज़्यादा आपके कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अलाउज यू टू सर्च एनीवेयर एनीथिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड थ्रू मैप्स डॉट गूगल डॉट कॉम। maps.google.com You can search what, you can look at more videos like this on www.rayhan.com. http://. और इसमें भी आना चाहिए HTTP ऐप से पहले। अब वो टैग्स में क्या आएगा उसमें? टैग्स में आपने दे दिया गूगल मैप्स, देन गूगल मैप्स इन उर्दू ऐसे लिखना। नहीं नहीं स्पेस दे दो और उसके बाद स्पेस आखिर में कॉमा दे दो, तो ये कॉमा सेपरेट अब होगी तो अब भी इसको एक कैरेक्टर करेगा ये। अच्छा, जैसे अगर हम पूरे स्पेस के साथ दे देंगे चार पांच चीज़ें तो वो सबको वन बाय वन अलग अलग करेगा। कॉमा के बाद स्पेस देना, कॉमा के बाद देना नहीं, देखो मैं समझता हूँ गूगल मैप्स इन उर्दू कॉमा देन गूगल मैप्स इन हिंदी कामा व्हाट इज गूगल मैप और उसके बाद आपका नाम लिखते हैं, आप लिखते हैं अब ये सब चीज़ जो है ना सारे करेक्टर्स को ये देखो वही कर रहा है, यहाँ कामा नहीं दिया सही है। जितने कम ज़्यादा कीवर्ड्स लिख दोगे ना उतना वो कम भगड़ भगड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आर नॉट गुड। नहीं कीवर्ड्स जो है आप रिलेवेंट हो जाए, रिलेवेंट जैसे ना देखो सर्च प्लेसेस। हाँ सही है, हाउ टू सर्च प्लेसेस, हाउ टू नहीं तो कीवर्ड में बस सर्च प्लेसेस होने चाहिए, हाउ टू तो अब लिख दें तो लिख दो तो हमें दे दो बस ठीक है। So there are many websites which will actually give you keywords. So अगर आप Google Maps पर जाके keywords निकालेंगे तो जो keyword Google Maps में इस्तेमाल हुए वो keywords आने आ रहा है। ठीक है ना, उसको सेव कर दें। इस तरीके से हमारा Google Apps नहीं है। डन कर सकते हैं, हाँ ये सेव करो और उसके बाद दिखा दो। वीडियो को व्यू कर दो, यहाँ पे भी पे क्लिक कर दो तो ये पेज पे चला जाएगा। क्लिक कर दो, वीडियो पे क्लिक कर दो, अब नीचे आओ। कैशे में से आ रहा है, आज मैं बात करूंगा गूगल मैप्स के ऊपर। गूगल मैप्स एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आप तकरीबन दुनिया के हर कोने को